अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी समुद्री जीव मौजूद है जो देखने में तो बहुत ही छोटा लग सकता है, लेकिन उसके टेंटेकल्स एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड के विड्थ से भी बड़ा होता है, और वो जीव और कोई नहीं बल्कि लायंस मेल जेलीफिश है, जिसका नॉर्मल डायमीटर तो बस 6.5 मीटर तक ही सीमित होता है, लेकिन इसके टेंटेकल्स 50 फीट से लेकर 180 फीट तक हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि जेलीफिश की यही टेंटेकल्स दूसरे जीवों के लिए बहुत ही जहरीली होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लायंस मेल जेलीफिश की तरह कुछ और बड़े समुद्री जानवरों के बारे में बात करेंगे जो आम जानवरों से काफी बड़े और हटके होते हैं। अब स्पाइडर जैसे कीड़े मकोड़े को तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर देखे होंगे, लेकिन समुद्र के अंदर कुछ इस तरह के स्पाइडर्स मौजूद है जिसकी टांगे 20 फीट तक लंबे होते हैं। एक नॉर्मल एवरेज इंसान की हाइट 5.5 फीट से लेकर 6 फीट के आसपास होता है। अब इससे आप समझ ही सकते हो कि 20 फीट के टांगों के स्पाइडर्स आखिर कितने बड़े होंगे। आर्थ्रोपॉड प्रजाति की स्पाइडर को जैपनी स्पाइडर क्रैब कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि समुद्र में ये अपना खुद का शिकार होने से बचने के लिए समुद्रों के नीचे रेत में छिप जाते हैं, जिससे कि दूसरे शिकारी इनको आसानी से ढूंढ ही नहीं पाते। अब हम एक शार्क के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन घबराइए मत, YouTube पर मौजूद हर दूसरे वीडियोस की तरह हम ग्रेट व्हाइट शार्क की बात नहीं करने वाले। हम बात कर रहे हैं द बेस्किन शार्क के बारे में, जो लंबाई में 20 से 26 फीट तक होती है और वजन 5,500 किलो के आसपास होता है। बेस्किन शार्क की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही तेजी से समुन्द्र के पानी को फिल्टर कर सकता है। ये शार्क एक घंटे में 10 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के जितने पानी को फिल्टर करने की क्षमता रखती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये शार्क इंसानों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाती, मगर इसके स्किन इतने रफ होते हैं कि अगर आपने गलती से इनको छू लिया तो फ्रिक्शन के चलते आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। अगला जीव कोई शार्क नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस है, जिसकी लंबाई 10 से 20 फीट तक होती है और वजन में 160 पाउंड जितना होता है। और ऐसे ऑक्टोपस को जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस या एंजल ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। और आज तक पाए गए सबसे बड़े ऑक्टोपस आकार में 32 फीट और वजन में 600 पाउंड के बराबर था। और इसी 32 फीट और 600 पाउंड के साथ इसने दुनिया के सबसे बड़े ऑक्टोपस होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। समुद्रों के किनारे या फिर समुद्रों की गहराई में अगर आपको इस तरह के जीव देखने मिले तो भूलकर भी इनको छूने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनको छूते ही आपको इतना जहरीला डंग लग सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे खूबसूरत से दिखने वाले जीव को पुर्तगीज मैनोवर कहा जाता है। इनमें भी दूसरे जेलीफिश की तरह लंबे टेंड्रिल्स मौजूद होते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट से लेकर 165 फीट तक हो सकती है। और इन्हीं टेंड्रिल्स से ये अपने आसपास के मछलियों को आसानी से खत्म कर देती है। आज के समय समुद्रों में मौजूद सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज मैं ब्लू व्हेल के छोटे भाई फिन व्हेल की बात करने वाले हैं। लंबाई में ये व्हेल 85 से 90 फीट तक लंबी होती है और वजन 120 टन का होता है। पूरी दुनिया में इस प्रजाति के अराउंड 1 लाख व्हेल ही जिंदा बचा है। इस वीडियो में हमने ग्रेट व्हाइट शार्क और ब्लू व्हेल जैसे कॉमन समुद्री प्रजाति के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि समुद्रों की गहराई में आज भी इस तरह के जीव मौजूद है जिनको ना तो हम आज तक डिस्कवर कर पाए हैं और शायद ही आने वाले कई सालों तक डिस्कवर कर पाएंगे। यहाँ तक मैरियाना ट्रेंच जैसी जगह जहाँ पर पानी का दबाव नॉर्मल सी लेवल से 1000 गुना ज्यादा है, वहाँ भी जाने पर हमें अजीब अजीब जानवरों के बारे में पता चला जिनको हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक बात तो तय है कि बढ़ते एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के चलते हम और भी अलग और अजीब तरह के जीवों की खोज कर पाएंगे, जो जानवरों के लिविंग मैकेनिज्म के प्रति हमारी सोच को बदल कर रख देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।